हम दूसरी जगह पर बेचते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, तो क्या होता है, जब हमारे पास पूरी फसल नहीं होगी तो ना ही हमारे पास खाने के लिए होगा, उससे हमारी हालत भी इफेक्ट होगी और ना हम उसे बेच के पैसा अर्न कर पाएंगे। जो फसल बोई जाती है उसे बेचकर पैसा भी अर्न नहीं कर सकते। तो इसी क्या होता है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे आते हैं। इन ब्रॉड कंडीशन देयर इज नो वाटर सप्लाई फॉर ग्रोइंग क्रॉप और टू फीड लाइफ स्टॉक और प्रोटीन। क्या होता है, पानी नहीं होगा तो जो आपके एनिमल्स होते हैं, पोल्ट्री फार्म में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स से हमें मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, एग मिलता है, तो मीट से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे बटर बनाया जाता है, चीज बनाया जाता है, तो ये सारी चीजें इफेक्टेड हो रही है। अगर सूखा पड़ जाता है तो सारे जानवर मर जाएंगे और जानवर मर जाएंगे तो उससे सारी सारी चीजें बनती है, प्रोडक्ट बनते हैं, वो भी मार्केट में आते हैं, नहीं होंगे तो क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की जो बहुत कमी हो जाती है। वी डू नॉट गेट वाटर टू ड्रिंक और टू फुलफिल आवर बेसिक नेसेसिटीज। क्या होता है, हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज जो हमें क्या करना है, अगर इंसान नहाता नहीं है तो खाना पानी तो पिएगा, पानी बिना पानी को जिंदा नहीं रह सकता, तो पानी तो उसे पीने ही है, खाने में भी पानी का यूज करेगा वो, तो बेसिक चीजें जो होती है वो फुलफिल नहीं हो पाती लोगों की बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई।